हाय गाइस, आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ बिग बॉस OTT सीज़न 3 के बारे में। क्या आपको लगता है अरमान मालिक ने विशाल को थप्पड़ मारकर सही किया, या विशाल ने जो कमेंट किया था कृतिका मलिक पर कि वो बहुत सुंदर लग रही है, ये कमेंट एक गलत कमेंट है या फिर उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है? ये तो हर कोई भी बोल सकता है, किसी को भी। आज भाभी बहुत सुंदर लग रही है, आज दीदी बहुत सुंदर लग रही है, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ये कोई गलत कमेंट नहीं है जो पायल मलिक ने आकर बिग बॉस में इतना हंगामा खड़ा करवाया। और अरमान मलिक ने जो थप्पड़ मारा विशाल को, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आई नो, मैं ये बहुत देर से वीडियो बना रही हूँ, मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ। क्या अरमान मलिक दो बीवियाँ रखी हुई हैं, क्या आपको सही लगता है वो? क्या विशाल को थप्पड़ मारना उसका सही है, या उसकी दो बीवियाँ होनियाँ सही थी? ये हम जो समाज में रहते हैं ना, ये समाज उसकी दो बीवियों को एक्सेप्ट नहीं करता, और वो कोई होता नहीं है विशाल को थप्पड़ मारने वाला। जस्ट विशाल ने ये बोला कि भाभी आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, इसमें कुछ गलत नहीं है जो उसने थप्पड़ मारा, और उसको बिग बॉस से बाहर निकलना चाहिए। आपको सही लगता है कि अरमान मलिक को घर से बाहर निकालना चाहिए, विशाल पांडे को जस्टिस चाहिए, उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था? दिस इज़ नॉट फेयर, ये मेरे हिसाब से गलत है। आप जो खुद सही नहीं हो तो दूसरों की बातों या कमेंट पर कैसे बोल सकते हो ये सही है या गलत है? खुद अपनी पर्सनल लाइफ देखिए, आप दो दो बीवियाँ रखकर समाज में क्या क्या मैसेज दे रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि विशाल को थप्पड़ मारना अरमान मलिक का हक नहीं था, और बिग बॉस को चाहिए कि उसको घर से बाहर निकाल लें।